Mm-hmm. <clears throat> <clears throat> हलो, हलो, हेलो 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 बच्चो भगवान नमस्कार स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में क्या मेरी आवाज आ रही है क्या मैं दिखाई दे रहा हूं जी हां मैं आ चुका हूं हियर पोबू मामा हूँ तो भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ जल्दी फटाफट से बता दीजिए क्या मैं दिखाई दे रहा हूं क्या मेरी आवाज आ रही है जल्दी से सभी लोग बताए और आज का सेशन एकदम धमाकेदार होने वाला है एल्कोहल ईथर फिनॉल हम कवर करने वाले हैं बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक से दो सवाल आपको यहां से मिलेंगे ठीक है शुरू करें फिर सिलसिला आइए जरा स्टार्ट करते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम आज हम पढ़ने वाले मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल फिनॉल्स ये सब पढ़ेंगे अपन और ईथर पढ़ेंगे ठीक है चलिए आइए जरा पहले शुरू करते हैं एल्कोहल से एल्कोहल का अल्किन से प्रिप्रेशन करते हैं हाइड्रेशन करते हैं ना एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन आपको करना है जैसे मान लीजिए मेरे पास ये अल्किन लिखी है ठीक है इसकी रिएक्शन आप करवाओगे डाइल्यूट एस टू एसओ फोर से या फिर थ्री ओ प्लस भी दे सकते हैं आपको ऐसे लिख के दे सकते हैं या फिर ऐसे लिख के भी दे सकते हैं कि पहले एच प्लस लाओ और फिर पानी लाओ पहले एच प्लस लाओ और फिर पानी लाओ ठीक है तो क्या करना है आपको सबसे पहले एच प्लस आएगा एच प्लस इलेक्ट्रोफाइल अल्किन न्यूक्लियोफाइल अल्किन इस एच प्लस पर अटैक करेगी तो कार्बोकेटाइन बनेगा आपका यहां पर क्या ये बात सही है और कार्बोकेटाइन बन गया तो बेटे रीअरेंजमेंट भी तो सोचना है अगर पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट करेंगे और रीअरेंज हो गया तो पानी ले आएंगे इसमें जल डाल देंगे और भाई साहब ये बना लेगा एल्कोहल जब भी पानी आता है तो H+ निकल जाता है OH जुड़ जाता है ठीक है तो कार्बोकेटाइन के, के थ्रू अगर आपको बनाना है तो आप एल्कोहल बना सकते हो रीअरेंजमेंट वगैरह करवाना है कार्बोकेटाइन बनाना है तो आप बना सकते हो ठीक है

Then, oxidation by और finally जो करना करना होता होता है 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 वो ये ये कि पानी जोड़ना है आपको एंटी मार के पानी जोड़ना जोड़ना आपको ठीक तो ये बनाएगा रियजेंट का वो वहां जाएगा जहां ज्यादा एच है अल्किन के उस कार्बन पे जाएगा जहां ज्यादा एच है सही बात है ठीक है तो ये हाइड्रोपोरिसन ऑक्सीडेशन होती है एक रिएक्शन और है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन इसमें क्या होता है ध्यान से देखिएगा ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में आपको रिएजेंट मिलेगा एचजीओ एसी होल्ट पानी के साथ देन डीमर्कुरेशन बाय NaBH4 इसमें क्या करने का है साइक्लिक मर्क्यूरेनियम आयन वगैरह बनता है इसमें और मार्क रूल लगाना है आपको है ना मार्क रूल ये कहता है कि रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर कम नंबर ऑफ H होंगे होंगे के उस कार्बन जाएगा जहां, कम नंबर ऑफ आप याद है। याद है कीटोन की। का रिडक्शन करा सकते हो यहां पर आप तीन रिएजेंट यूजली लिखा करते हैं एच टू कैटलिस्ट लेते हैं आप एनआईटी आप यहां पर एस ले सकते सोडियम बोरोहाइड्राइड जिसको हम एन भी बोला करते हैं और तीसरे नंबर पर आप एल भी ले सकते हैं यह है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ठीक है और पानी इसमें डिफॉल्ट यूज होता है पानी डिफॉल्ट इसमें यूज होता है आपको करना क्या है कार्बोनाइल कंपाउंड दिया जाएगा और इन तीनों में से कोई भी रिएजेंट आएगा वो क्या करेगा इस पाई बॉन्ड को तोड़ देना एच और एच से पाई बॉन्ड को तोड़ देना बेटा एच और एच से क्या बन जाएगा आपका एल्कोहल बन जाएगा पाई पाईबॉन्ड टूटेगा एच और एच से क्या बन जाएगा एल्कोहल बन जाएगा सही बात है

तो क्या बन जाएगा आर सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड ओ एच मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो COH एच है वो सी एच टू एच में कन्वर्ट हो जाएगा Sbh ये रिएक्शन नहीं देगा एस बी एच ये रिएक्शन नहीं देगा ठीक है अगर मैं सेकेंड रिएक्शन की बात करूं एस्टर वाली बात करूं तो एस्टर में जो आपको दिखेगा वो बता रहा हूं मैं है ना एस्टर में आपको क्या दिख सकता है एस्टर में आपको दिख सकता है एल आई एल एच फोर एल एच भी दिख सकता है और यहां पर एच टू कैटलिस्ट भी दिख सकता है ठीक है क्या करने का है आपको बॉन्ड तोड़ने का है कौन सा बॉन्ड तोड़ने का यह वाला तोड़ो एच H ओर H से ठीक और ये पाई H और पाई बॉन्ड तोड़ो से तो बन जाएगा क्या सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और बेटे OH भी तो बनेगा एस्टर में दो एल्कोहल बनेंगे क्यों क्योंकि एस्टर में यहां ओ आर डे मिलता है और एस बी एच एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है एसबीएच एसिड और एस्टर को रिड्यूस नहीं करते हैं तो एस बी एच कार्बोनाइल को रिड्यूस करता है अच्छा, और कर एसिड क्लोराइड को रिड्यूस कर सकता है ठीक है, तो SBH, है, है अगर एसिड क्लोराइड को रिड्यूस कराना है तो एसिड क्लोराइड में आप एल एच ले लो चाहे एसबीएच ले लो चाहे एच टू ना यहां पर आपको रिडक्शन कराना है तो ऐसे करा सकते हो आप ये तोड़ो और बॉन्ड तोड़ो तो बन जाएगा आर सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड ओ एच और इसमें सारे आएंगे एस बी एच भी आएगा एल एस भी आएगा और एच टू गैडलिस भी करता है यह भी करता है और यह भी करता है ठीक है तीनों करते हैं इसको रिड्यूस क्लियर एकदम बात क्लियर है एकदम बात चलिए भाई बहुत बढ़िया क्या बात है आइए जरा रिएजेंट से बना लेते हैं और ये हमने लास्ट टाइम पे बनाया भी था कि कार्बोनाइल कंपाउंड अगर होगा ग्रेगनार्ड रिएजेंट होगा आर एम जी एक्स

कार्बोन कार्बन से जोड़ दो और कार्बोनाइल कार्बन से जोड़कर एल्कोहल बना देना क्लियर एकदम क्लियर एकदम चलिए प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी एसिडिक नेचर होता है एल्कोहल का एल्कोहल नेचर किस वजह से दिखाते हैं आर ओ एच जो है वो एच प्लस निकालकर एनआईन बना सकता है और एसिड वाली रिएक्शन कई सारी आपको देखने को मिलती है जैसे जैसे भाई एल्कोहल एच प्लस निकाल सकता है जैसे क्या क्या रिएक्शन आपको दिख सकती है क्या क्या रिएक्शन आपको दिख सकती है जैसे एल्कोहल दिया जाए आपको ठीक है आपको बोला जाए सोडियम के साथ रिएक्शन करा दो बेटा आपको बोला जाए एन के साथ रिएक्शन करा लो आपको बोला जाए एन के साथ रिएक्शन करा लो आपको बोला जाए अगर एनएच के साथ रिएक्शन करा लो तो कोई बता सकता है कि कौन कौन सी रिएक्शन होंगी और कौन कौन सी नहीं होंगी मैंने जीओसी में कॉन्सेप्ट बताया था कि रिएक्शन विल प्रोसीड इन द प्रोडक्शन ऑफ वीकर एसिड है ना तो कौन कौन सी रिएक्शन होंगी और कौन कौन सी नहीं होंगी ध्यान से देखिएगा मेटल के साथ तो सभी एसिड रिएक्ट करते हैं तो आर ओ माइनस एन ए प्लस बन जाएगा और आधा मोल एच टू यहां निकल जाएगा ठीक यहां पर भी ये बनेगा लेकिन यहां प्लस माइनस है यह, देखो H H से जुड़ के एच टू बना लेगा यहां ये यह प्लस माइनस यहां अमोनिया बना लेगा और एच टू और अमोनिया एल्कोहल से वीक एसिड होते हैं अब जरा यहां ध्यान देना क्या ये रिएक्शन होगी अगर मैं यहां बनाऊंगा तो यहां बनेगा आपका पानी और पानी जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है टू एक ही एल्कोहल ऐसा है जो पानी से ज्यादा स्ट्रॉग है वो मिथेनॉल होता है ठीक है एक ही एल्कोहल होता है वो होता है लेकिन इसके अलावा सारे एल्कोहल नहीं होगी क्यों क्योंकि क्यों पानी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ठीक है अगर मैं यहां देखूं तो यहां बनेगा सॉल्ट प्लस एच टू सीओ थ्री और एच टू सीओ थ्री जो है वो एल्कोहल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो ये वाली रिएक्शन भी नहीं होने वाली है क्लियर है क्लियर एकदम याद आ रहा है कुछ दिमाग में बातें मीडियम बात तो तो में रिएक्शन होती है एसिड से ओ OH एच निकलता है और एल्कोहल से एच निकलता है ठीक है कॉन्सेप्ट आपको बताएगी यहां से ओ OH एच ही क्यों निकलता है क्योंकि प्रोटोनेट होने के बाद पानी निकल के कार्बोह बैक बॉन्डिंग से स्टेबल होता है, है बैक बॉन्डिंग से स्टेबल होता है कार्बोकेटाइन इसका इसलिए ऐसा हो जाता है तो ये है आपकी एस्टरीफिकेशन रिएक्शन ठीक इसके अलावा और क्या ले सकते हो एसिड के अलावा एसिड के अलावा आप एसिड एनहाइड्राइड भी ले सकते हो ओसीओआर और एचओआर डश आप ये भी ले सकते हो एनहाइड्राइड भी ले सकते हो है ना एसिडिक मीडियम में आप ये रिएक्शन कराओ यहां से आरसीएच निकाल दो तो बन जाएगा आरसी डबल बॉन्डो ओआर डश प्लस आरसीओएच आप ये बना सकते हो आप यहां क्या ले सकते हो एसिड क्लोराइड भी ले सकते हो अगर मैंने यहां एसिड क्लोराइड ले लिया आरसीएल ठीक है तो यहां एच सी एल बने और एच सी एल हटाने के लिए पायरेडीन डाल देते हैं बेस है यहां से क्या निकाल देना एसिड न्यूट्राइजेशन हो जाएगा उसका तो एफ सी एल निकल जाएगी ठीक है जो एच सी एल यहां निकली इसको पायरेडीन ले जाएगा तो पायरेडीनियम क्लोराइड बना लेगा क्लियर बात है एकदम बेटा अरे कुछ याद आ रहा है कि नहीं क्यों कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा क्यों भाई ये सारी रिएक्शन आप पढ़ चुके हो कल भी बताई थी मैंने आपको पी एक्स थ्री वाली रिएक्शन एक बार फिर से देख लेते हैं आर ओ एच आर ओ एच आर ओ एच तीन बार लिखने का एक्स पी एक्स कैसे लिख लो पी एक्स एक्स और एक्स यहां से क्या निकाल लेने का एच थ्री पीओ थ्री और H3PO3 जब निकल जाएगा तो ये बना लेगा तीन मोल RX H3PO3 ठीक है आई होप याद होगी ये अगली देखें PX5 के साथ अल्कोहल की रिएक्शन PX5 के साथ होगी तो PX3 ऐसे लिख लो X और X ऐसे ऐसे बॉन्ड तोड़ दो तो ये बना लेगा RX POX3 और प्लस HX ऐसा बना लेगा याद आ रहा है कुछ बिना रीअरेंजमेंट के अगर आपको अल्काइल हैलाइड बनाना है

ठीक है कार्बोगन के थ्रू चलना है तो ऐसे चल सकते हो अगली रिएक्शन देखेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल ये अल्किन में भी हमने देखी थी आर की रिएक्शन आप करवाओगे एच प्लस के साथ हीटिंग करवा दो ठीक है या फिर कंसनट्रेटेड एच प्लू ले लो तो इसका काम क्या है ये एच प्लस सबसे पहले लाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल है अपने लोन पे इसको दे देगा तो ये बना लेगा आर ओ एच टू पॉजिटिव और पानी निकल के क्या बन जाएगा आर प्लस अब आर प्लस बना तो रीअरेंज कराना पड़ेगा रियरेंज पॉसिबल और रियर हो गया तो कार्बोट और हीटिंग दे देता है लेकिन कौन सी अल्किन बनानी है आपको मोर स्टेबल होगा मोर स्टेबल अलकीन मेजर प्रोडक्ट होगा ये ध्यान रखना है मोर स्टेबल अल्किन मेजर प्रोडक्ट होगा क्लियर है मोर स्टेबल अल्किन मेजर प्रोडक्ट होगा क्लियर है बात एकदम चलिए बहुत बढ़िया

है ना और आपको कॉपर तीन डिग्री सेंटीग्रेड मिल सकता है ठीक है कॉपर मिल सकता है या फिर सिल्वर मिल सकता है ये सारे माइल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ठीक है थीके? क्या काम करते हैं ये ध्यान से देखिएगा डिग्री को आर टू इस को इस एलडीहाइट में कन्वर्ट करते हैं सी एच टू एच से सी एच ओ बनाते हैं टू डिग्री एल्कोहल को ये कीटोन में कन्वर्ट करते हैं सी एच ओ एच जो है वो सी डबल बॉन्डो में कन्वर्ट हो जाता है और थ्री डिग्री एल्कोहल का कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता है क्यों

ठीक है तो देखें जरा जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा है अलाइलिक एल्कोहल ऐसा तो इसका ऑक्सीडेशन कर देगा सी टू एच माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर है तो मामला कहां तक रुक जाता है एल्डिहाइड तक रुक जाता है ठीक वन डिग्री एल्कोहल से अगर अलाइलिक में टू डिग्री होता तो कीटोन बना लेते मतलब करना ऐसे ही है आपको ठीक मान लीजिए एल्कोहल देते पी सी टू एच तो क्या हो जाता

मेजर प्रोडक्ट ये माइल की कहानी है आई होप याद होगी आपको सेकेंड नंबर में बात करता हूँ तो आपको क्या क्या दिख सकते है? मिल सकता है, मिल सकता है या फिर हॉट ऐसे भी लिख देते हैं इसको पहले आपको ऐसे मिल जाएगा अल्कलाइन के साथ हीट करा देंगे और फिर बोल देंगे भैया आ गया ठीक है या ऐसा लिख देंगे एसिडीफाई कर दिया ठीक तो ऐसा भी लिखा जा सकता है सेम यही कहानी के टू सीआर टू सेवन के साथ की जा सकती है सेम यही कहानी के साथ की जा सकती है सेम यही कहानी तो पीछे भी लिखा था ध्यान से देखना ओ थ्री तो यहां भी लिखा था है ना? लेकिन ये पायरेटिन हो गया या, सी हो, या फिर मिले, मिले पायरेटिन के साथ मिले या एनहाइड्रस मिले तो वो मोआ होता है लेकिन अगर एस टू एसओ मिले या पानी के साथ मिले तो वो होता है, है? ठीक पानी के साथ एल्कोहल को आर सी एस टू एच को एसिड में कन्वर्ट करते हैं वन डिग्री एल्कोहल से एसिड बनता है टू डिग्री एल्कोहल में कीटोन के आगे बढ़ने की चॉइस है नहीं आपकी यहां पर तो आप यहां पर क्या बनाओगे कीटोन बना दोगे ठीक है ध्यान रखिएगा कीटोन के आगे आपको ऑक्सीडेशन नहीं कराना अगर एल्कोहल दिया है तो कीटोन पर रुक जाना लेकिन अगर कीटोन दिया है तो उसमें रूल होता है अगले वाले चैप्टर में आएगा वो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है ठीक है और अगर थ्री डिग्री एल्होहल है मालिक मालिक थ्री डिग्री एल्कोहल है तो नो रिएक्शन ठीक है क्लियर है एकदम तो ये थी कहानी एल्कोहल चैप्टर की रिवाइज हुई रिएक्शन कुछ रिकॉल हुई कि क्या क्या होता है इनमें क्यों कुछ रिकॉल हुई क्या क्या होता है चलिए आगे बढ़ते हैं फिनॉल वाले चैप्टर पे चलते हैं फिनॉल की अगर मैं बात करूं तो हेलो एरिन से आप बना सकते हो और होता है पहले आपको मोल्टन या फ्यूज एन दिया जाता है देन उसके बाद एसिडिफिकेशन कराते हो छह सो तेईस के एलेवेन और तीन सौ एटीएम के आसपास प्रेशर इसमें हुआ करता है और पहले बनता है यहां पर सॉल्ट और सॉल्ट फाइनली फिर क्या होता है एसिडिफाई आप कराते हो ना तो रिकवर होता है ठीक तो है एसिडिड तो OH तो पे भी पड़ी है, यार है ना और अब तक तो टिप्स पे आगे होगी बेंजीन सल्फोनिक की अगर मैं बात करूं, तो आप क्या करो पहले बेंजीन से ओलियम की रिएक्शन ओलियम की रिएक्शन कराओ और बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाओ और अब यहां पर क्या होता है जब कभी भी आप वेजिन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन मोल्टन या फ्यूज से करवाते हो फॉलोड एच प्लस तो ये ओ नेगेटिव यहां अटैक करके उड़ाता है मतलब रिप्लेस हो जाता है क्या बनाएगा ये ओ एच बनाएगा लेकिन वो फाइनली फिर रिएक्ट कर लेगा ओ नेगेटिव एच प्लस बना लेगा और ये जो एसिडिफिकेशन करते हो ना वो बाद में करते हो ना? है ना लिख भले ही देते हैं अपन कि पहले एसिडिफिकेशन जब एनए से रिएक्शन होगी तो पहले यहां ओ एच आएगा लेकिन रिएक्शन रुकेगी नहीं क्योंकि मीडियम बेसिक है सॉल्ट तक चला जाएगा और सॉल्ट को वापस रिकवर करना पड़ेगा तो यह वापसी में आपको दे देगा तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी आप बना सकते हो यहां हो यहां जाता है ध्यान एसओ थ्री निकल जाती है डाइजोनियम सॉल्ट के साथ बनाए तो गर्म पानी डाल देना डाइजोनियम सॉल्ट में क्या करने का है वार्म वाटर लाने का ना क्या टेंशन है अपने को कोई टेंशन है क्या पानी लाने का एन टू सी एल अटैक करके एन टू को हटा देगा तो ये बन जाएगा आपका ऐसा है ना फिनॉल बन जाएगा गर्म पानी गर्म पानी डाल दो बन जाएगा क्लियर है गर्म पानी डाल दो फिनॉल बन जाएगा एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये पेपर में आ सकती है क्यूमीन के साथ क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड वाली रिएक्शन जैसे मेरे पास क्यूमीन ऐसा होता है ठीक है मैं क्यूमीन को ऐसे लिख सकता हूं इसकी रिएक्शन सबसे पहले कराते हैं ओटू इन ऑफ सनलाइट बॉन्ड ब्रेक होता है कुछ इस तरीके से ध्यान से देखना बीच से ब्रेक करेंगे रेडिकल बनेगा सनलाइट में और ये बॉन्ड टूटेगा रेडिकल बनेगा और ये रेडिकल इससे और ये रेडिकल इससे जोड़ दो तो यहां बनता हुआ नजर आएगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है पूछा जा सकता है इसका नाम है क्यूमीन क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड हाइड्रो ोक्साइड क्योंकि ओ ओ बॉन्ड है ना परोक्साइड तो ओ को ही बोलते हैं ना सही है और यहां पर जब इसको आप हाइड्रोलाइज करवा दोगे है ना हाइड्रोलाइज कराने पर या एसिड के साथ ट्रीट करने पर यानी कि आप यहां सिंपली ऐसे भी, भी लिख सकते हो कि आप H प्लस लाओगे तो H प्लस क्या होगा ये H प्लस को ले लेगा ध्यान से देखिएगा ये H प्लस को ले लेगा ठीक तो ये बना लेगा प्रोटोनेटेड स्पीसी ध्यान से समझिएगा ठीक अब यहां से ये पानी निकलेगा ठीक ये यहां अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहां से होगा तो इतना हिस्सा बन गया इसका एसीटोन देखो एम सी डबल बॉन्डो यमी और इस रिंग पर टू प्लस आ जाएगा और वो एच प्लस को निकाल देगा तो फाइनली आपको फिनॉल मिल जाएगा और यहां पर एसीटोन भी बनता है तो एसीटोन का भी इसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन बोलते हैं ठीक है एसीटोन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी बोलते हैं तो फिनॉल प्लस एसीटोन बनता है ध्यान रखना ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ठीक अगर मैं फिनॉल की एसिडिटी की बात कर लूं तो जैसे एल्कोहल एसिडिक होता है वैसे फिनॉल भी तो एसिडिक नेचर का होता है कैसे पता चलेगा ध्यान से देखें जरा अगर कोई एसिड एच प्लस निकाल दे तो एनआईन बना ले और एनआईन ओपर नेगेटिव स्टेबल होता है और यहां पर रेजोनेंस भी है और एसिडिक मीडियम दिखाने वाली रिएक्शन क्या क्या होती है जैसे मेटल के साथ रिएक्शन करवा लो आप ठीक है मान लीजिए आपने पीएचओ एच की रिएक्शन सोडियम के साथ करवा ली ठीक तो क्या बनेगा पी एच ओ नेटिव एनए प्लस और हाफ एस टू निकल जाएगी ठीक इसी तरीके से आपको बताते जाना है कौन कौन सी रिएक्शन होगी तो चलिए के साथ रिएक्शन कराइए इसकी क्या ये रिएक्शन हो सकती है ये, 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 तो ये, ने ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब पानी वीक एसिड हो और पानी वीक एसिड होता है फिनॉल से वीक एसिड होता है पानी यानी कि ये रिएक्शन भी होने वाली है यहां मैं एक दो रिएक्शन और लिख देता हूं मान लीजिए मैं फिनॉल की रिएक्शन कराता हूं NH से और NH2 से तो ये दोनों रिएक्शन भी हो जाती है देखिए जरा क्यों क्योंकि इसमें बनेगा H2 और इसमें बनेगा अमोनिया फिनोल तो बहुत अच्छा एसिड है है ना तो ये वीक एसिड बनता है यानी कि ये रिएक्शन दोनों होगी ये भी होगी ये भी होगी है ना इसमें भी ये दोनों होने वाली है और ये भी होगी सारी रिएक्शन होगी जो बोर्ड पे लिखी है क्लियर है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छा ये एनएनएसू वाली रिएक्शन की रिएक्शन फिनॉल की रिएक्शन अमोनिया बना दिया था और चलिए ये भी रिएक्शन होगी क्योंकि अमोनियाड है एनएच सीओ थ्री वाली होगी कि नहीं ये चेक कर लेते हैं पीएचओ एच एन एच सी थ्री के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या दिखने वाला है प्लस माइनस यहां प्लस माइनस ठीक है यहां बना लेगा ये सोल्ट पीएचओ है और बना लेगा एस टू सी थ्री बता सकता है कोई कि ये वाली रिएक्शन होगी कि नहीं होगी बताओ जरा ये वाली रिएक्शन होगी कि नहीं होगी बोलो ये वाली रिएक्शन नहीं होने वाली है क्यों क्योंकि ये एसिड होता है लेकिन ध्यान से सुनना आप जो बाद में बोल रहा हूं फिनॉल पे तीन तीन एनो टू लगा दो तो, तो रिएक्शन हो जाती है ये वाली दो लगा दो तो, तो भी हो जाती है एक लगाओगे तो सिर्फ पैरा वाला होता है ठीक है एक लगाओगे तो सिर्फ पैरा वाला होता है ध्यान रखना ठीक है मतलब पॉम में सिर्फ पैरा वाले रिएक्शन की बात कर की रिएक्शन है यार एसिड के साथ रिएक्शन करवा सकते हो आप एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा सकते हो आप और एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा सकते हो आप जैसे आपने एल्कोहल में कराई थी एच ओपीएच ऐसे लिख लो प्लस एच ओपीएच ऐसे लिख लो और प्लस एच ओपीएच ऐसे लिख लो ठीक है चलिए भाई ये दोनों रिएक्शन तो एसिडिक मीडियम में करा देते हैं और ये वाले के लिए बेस चाहिए क्योंकि इसमें एसिड निकलता है डाल लाल इसमें क्या करने का है पानी निकाल लेगा यहां पर एसिड निकाल लेगा यहां पर एच निकाल लेगा तो ये बना लेगा आर सी ओ पी एच प्लस जल छोड़ देगा ये यहां भी यही बना लेगा प्लस आर एस पी एच एसिड बन जाएगा इसमें ठीक यहां भी यही बना लेगा लेकिन एच सी एल निकलेगा और एच सी एल के साथ रिएक्शन हो जाएगी पायरेडीन की है ना तो ये पायरेडीनियम क्लोराइड बना लेगा ठीक है न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा यहां पर क्लियर है एल्कोहल जैसी रिएक्शन है कोई नई बात नहीं है इलेक्ट्रोफिलिक तो बड़ा आसान है तो वो कहां जाएगा वो रिएक्शन की कंडीशन पर डिपेंड करती है लेकिन आपको इतना तो पता है कि ओ OH क्या है प्लस एम अगर ओ OH एच प्लस एम है तो डायरेक्टिंग है मतलब इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा और रिएक्शन की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कहां भेजना चाहते हो आप है ना कहा भेजना चाहते हो जैसे नाइट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रेशन दो तरीके के आपको यहां पर दिखेंगे फिनॉल की रिएक्शन अगर मैं करवा दू डल्यूट एच से तो रिएक्शन में ऑर्थो और पैरा बनते हैं और इन दोनों को ये आप स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हो क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलेटाइल होता है

उल्टा होता है पॉइंट तो और का ज्यादा होगा एक रिएक्शन आपको यहां ऐसी रिएक्शन बाय डिफॉल्ट एक्सेस में हो जाती है क्योंकि ओएच जो है वो अच्छा खासा एक्टिवेटर होता है तो ये बना देता है पिक्रिक एसिड क्या बनाता है पिक्रिक एसिड लेकिन इसकी इल्ड पुअर होती है इसकी ईल्ड पुअर होती है और इस ईल्ड को बढ़ाने के लिए आजकल इंडस्ट्री में जो मेथड यूज किया जाने लगा है वो होता है सल्फोनेशन के बाद नाइट्रो कराना जैसे आपने यहां पर ओलियम या वगैरह ले लिया तो आप यहां बनाया करते हैं फिनॉलमेट टू फोर डाइ सल्फोनिक वाला ऐसा और इसके बाद जब आप इसकी रिएक्शन एच एन के साथ करवा देते हैं तो ये बना लेता है पिक्रिक एसिड ठीक है और सल्फोनेशन के बाद डी सल्फोनेशन पॉसिबल है ठीक है तो आजकल ये वाला मेथड यूज किया जाता है ध्यान रखिएगा क्लियर है एकदम नाइट्रेशन के बाद मामला आगे चलता है पर अगर मैं हेलोजिनेशन की बात आपसे बोलू तो अगर मैं यहां बी आर टू सी एस टू ले लू ठीक है बी आर टू सी एस टू देखो नॉन पोलर सॉल्वेंट या कोई लो पोलैरिटी का सॉल्वेंट सी एच सी एल थ्री वगैरह भी चलेगा यहां लो पोलैरिटी या नॉन पोलर सॉल्वेंट में रिएक्शन उतनी तेज नहीं होती तो ये बनाता है एक ऑर्थोब्रोमो और एक बनाता है पैराब्रोमो और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कभी ना हो ना तो पैरा मेजर होता है ये ध्यान रखिएगा और ब्रोमिन तो इन्वॉल्व होता नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तो पैरा वाला मेजर हो जाएगा लेकिन अगर मैं यहां पानी डाल दू तो फिनॉल पानी में आयोनाइज होकर ओ कन्वर्ट हो जाता है ओ नेगेटिव में और ओ नेगेटिव एक बहुत भयंकर एक्टिवेटर होता है इसलिए रिएक्शन बाय डिफॉल्ट एक्सेस में हो जाती है और ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी इसको बोला करते हैं और ये पीपीटी होता है टू फोर सिक्स ट्राइब्रोमोफिनॉल ठीक है पीपीटी का कहलाता है ये ठीक है ब्रोमीन वाटर याद होगा तो आगे चलते हैं कोलवेज रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है फिनॉल की रिएक्शन होती है सीओ टू इन प्रेजेंस ऑफ एन देन एसिडिफिकेशन ठीक है तो यहां बनता है

ठीक है सिमिलरली पैरा वाला प्रोडक्ट भी बनता है तो ऑर्थो तो बनता ही है साथ में सिमिलरली इसमें पैरा भी बनता है और ऑर्थो मेजर होता है ये ध्यान रखिएगा पैरा भी बनता बनता है 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 लेकिन ऑर्थो वाला मेजर होता आपसे एग्जाम में में इंटरमीडिएट पूछ सकते हैं कि बीच में क्या बनता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा इंटरमीडिएट ये बनता है ठीक है इंटरमीडिएट ये बनता है क्लियर है।, है आप यहां पर पानी डालो या आप यहां बेसिक मीडियम में कराना चाहते हो केव तो भी रिएक्शन हो जाएगी है ना बाद में एसिडिफाई करवा देना कोई दिक्कत नहीं है ठीक है क्लियर है एकदम तो राइमर डीमन रिएक्शन में क्या बनता है सेलिसल एल्डिहाइड इनका नाम क्या है इसका नाम है ऑर्थो सेलिसल एल्डिहाइड सेलिसल एल्डिहाइड और ये वाला पैरा सेलिसल एल्डिहाइड ठीक ऑर्थो मेजर होता है क्लियर है याद है आपको रिएक्शन याद है आपको ये रिएक्शन क्यों कुछ कुछ रिकॉल हो रहा है कि नहीं जिंक डस्ट के साथ ये है।, है इतनी आसान रिएक्शन है क्या बताऊं जेडेन लाए और आपने जेड लगा जेड एन ओ उड़ा देना तो बेंजीन बनाने का काम करती है तो बेंजीन प्लस जेड ओ बनता है अगला देखो ऑक्सीडेशन करवा दो आप एन ए टू सी आर टू ओ सेवन और एस टू एस ओ फोर के साथ तो फिनॉल जो है वो पैराबेन जो क्विनोन बना लेता है ठीक है ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका तो ये क्या बना लेता है पैराबेंजो क्विनोन पैराबेंजो क्विनोन ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका

आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इथर पर सीओ बॉन्ड ब्रेक करना ध्यान से सुनिएगा एच एक्स के साथ रिएक्शन करानी है आपको तो क्या करेंगे आर ओ आर आपको इथर दिया जाएगा एच एक्स आएगा सबसे पहले एच प्लस दिलवाओ इसको तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है वो एच प्लस लेगा कई बार रिएक्शन आई हुई है ये है ना ध्यान से देखना ऐसा दिखेगा आपको अब तुम्हें ये सोचना है कि सर आर या आर डैश ध्यान से देखना अब सोचना है आर या आर डैश तुम्हारा थ्री डिग्री है ठीक रेजोनेंस स्टेबिलाईज वन डिग्री टू डिग्री या थ्री डिग्री है तो एस एन वन पास जाता है अदरवाइज एस एन टू पास जाता है अदरवाइज एस एन टू पास जाता है उसके अकॉर्डिंग हम यहां आंसर बनाया करते हैं ध्यान से सुन लो आर या आरडेस ठीक है आर या आरडेस दोनों में से कोई भी एक कोई भी एक थ्री डिग्री मिल जाए थ्री डिग्री कार्बोक मिल जाए बॉन्ड टूटने के बाद लेकिन अगर भारी मात्रा में दिया तो इतना सब की जरूरत नहीं है भारी मात्रा में एच एक्स दिया जाए तो इतना सब सोचने की जरूरत नहीं है आपको बस ये चेक करना है कि यह बॉन्ड टूट सकता है कि नहीं अगर इसका लोन पेयर इन दोनों में से कहीं भी रेजोनेंस में आ गया तो नहीं टूटेगा

तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा ये टूटेगा इसको आई दे देंगे और इसको एस दे देंगे तो ये फिनॉल बनाएगा तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि भारी मात्रा में जब रिएक्शन करा रहे हो तो देख लेना ऑक्सीजन का लोन कहीं रेजोनेंस में तो नहीं है अगर रेजोनेंस में नहीं है तो बहुत बढ़िया दोनों बॉन्ड तोड़ो ठीक है क्लियर है रेजोनेंस में अगर नहीं है तो दोनों बॉन्ड तोड़ो जैसे यहां मैंने ऐसा माना था कि रेजोनेंस में नहीं है जैसे मान लीजिए मान लीजिए ऐसा लिखा सी एस थ्री ओ सी टू एस फाइव अब थोड़ी कोई टेंशन लेनी आपको जीवन में ये भी तोड़ेंगे ये भी तोड़ेंगे आई एच एच आई 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 ए प्लस आई, आई, आई सी टू एच फाइव क्लियर है एकदम समझे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिड्यूशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो बड़ी ध्यान से देखिएगा यहां पर जो आपकी रिएक्शन हो रही है उसमें आपको ओ सी एस थ्री मिल रहा है ठीक है और इलेक्ट्रोफाइल कभी आएगा तो ऑर्थो और पैरा पर बनेगा और ऑलवेज पैरा मेजर आपको बोलना है क्योंकि कार्बन से एस जुड़ा है ऑक्सीजन से जुड़ा नहीं तो हाइड्रोजन की तो बातें आएंगे नहीं तो ऑलवेज पैरा मेजर आप बोल देना यहां पर ठीक है ठीक है जैसे हेलोजिनेशन की बात करें हेलोजिनेशन की बात करें मान लीजिए मेरे पास ऐसा लिखा है और यहां पर यूजुअली आपको ऐसे दिया जाएगा एसिडिक एसिड या CH2 वगैरह मिल सकता है ठीक तो आप क्या करोगे एक बार ऑर्थो पे लगाओगे एक बार पैरा पे लगाओगे और पैरा मेजर बोल दो तो एनीसोल की आपको देखने को मिल सकती है ठीक है अगला नाइट्रेशन देखो एच एन ओ थ्री आ जाए अगर एच एन ओ थ्री आपको मिल गया तो नाइट्रेशन में आप जानते हो एन टू प्लस आएगा और एक बार और तो एक बार पैरा मेजर समझे मातू क्लियर है एकदम ये कहानी बहुत आसान है यार कोई मुश्किल वाली बात नहीं फ्रीडल क्राफ्ट देख लो जरा फ्रीडल क्राफ्ट की अगर मैं बात करूं तो ओसीएच3 आरएक्स एनहाइड्रस एलएक्स3 ये टूटेगा माइनस प्लस और कार्बो कैटायन बन गया तो रियरेंज सोच लेना और रिअरेंज हो गया तो एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे लगा देना पैरा है ठीक है है बात। अगला असाइलेसन सिंपल एकदम असाइलेशन में रियरेंजमेंट कराना नहीं है एनहाइड्रस एल सी एल थ्री ले लेता हूं अगर मैंने यहां सीएल तो माइनस प्लस नो रिअरेंजमेंट तो एरोमेटिक कीटोन टाइप से दिखते हैं यहां पर ओसीएस थ्री सीओ आर प्लस ओ सी एस थ्री आर ये मेजर हो जाएगा क्लियर है बात तो ये कहानी है समझे खेल हुआ कुछ रिवीजन आपका याद आई कुछ बातें ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ टेस्ट है वो देख लो लुकास टेस्ट की अगर हम बात करें तो एल्कोहल की रिएक्शन होती है कंसनट्रेटर एच सी ये लुकास रिएजेंट होता है ना प्लस एनहाइड्रसड एन सी एल टू यह लुकाश रियजेंट है तो ये वन डिग्री अगर एल्कोहल होगा तो नो टर्बिडिटी बोलते हैं ठीक है टू डिग्री अगर होगा तो मिनट्स में टर्बिडिटी आएगी आरसीएल की और थ्री डिग्री होगा तो सेकेंड्स में आएगी रिएक्शन आप जानते हैं वाली रिएक्शन है ये है ना ऑब्जर्वेशन ध्यान रखना क्या होने वाला है ठीक है तो ये लुकास टेस्ट होता है ऐसे ही टेस्ट है आपका फिनॉल का ये वाला एफल थ्री टेस्ट वो वाला बता रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है एफ थ्री टेस्ट क्या होता PHOH की FECL3 के साथ होती है कॉम्प्लेक्स थ्री नेगेटिव और तीन एच प्लस और तीन एच सी एल निकल जाते हैं ठीक वायलेट कलर का बताइए अगर ब्रोमीन वाटर ये तो हो चुका है व्हाइट कलर का पीपीटी ब्रोमीन वाटर टेस्ट वाला व्हाइट कलर का पीपीटी बनता है इसमें टू फोर्थ्रोमोफिनॉल व्हाइट पीपीटी ठीक है तो ये ध्यान रखने का इसमें अगली रिएक्शन है फिनोफ्थलीन वाली एक रिएक्शन है फिनॉल की रिएक्शन फिनोफ्थलीन के साथ होती है सॉरी के साथ होती है तो थैले कैड्राइड मैंने ऐसा ले लिया एक और को मैं ऐसे लिख रहा हूं यहां H और H2SO4 टू एसिडिक मीडियम में ये पानी निकाल देता है पानी निकलेगा तो फिनोथिलीन ऐसा दिखेगा अन आयोनाइज फॉर्म में कलरलेस होता है लेकिन फिनोथिलीन में रहा प्लस ना ये टूट जाते हैं तो पिंक कलर का हो जाता है ठीक है तो रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है पनाप्थिलीन फॉर्मेशन ठीक है ऐसे ही फिनोप्थिलीन के अलावा एक और चीज होती है ये फिनोप्थिलीन था इसके अलावा एक चीज एस्पिरिन एस्पिरिन वाला भी एक रिएक्शन जैसे मान लीजिए ये ओएच OH और ये सीओएच, ओ एच इसकी रिएक्शन करवा दू मैं सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड लू ओ सी थ्री एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा रहा हूं तो यहां पर क्या होगा ये माइनस ए प्लस एस्टरीफिकेशन है यार वही सिंपल क्रॉस में जोड़ दो तो उसका प्लस इसके माइनस से और इसका प्लस उसके माइनस से तो थ्री बन जाएगा और सीओएच इसको बोलते हैं ऑर्थो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड ऑर्थो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड और इसका नाम एस्पिरिन होता है क्या होता है इसका नाम एस्पिरिन होता है और ये है CH3 COH ठीक है ये कहानी है क्लियर है समझे बात को तो ये कहानी थी आपकी थ्योरी का एंड हुआ आप करेंगे जमा जम सवाल ठीक है इतना ही पढ़ना आपको रिविजन चलिए फटाफट से आपके सामने सवाल आया है सवाल करके बताएंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो एंड मेटा क्या स्टेटमेंट वन सही है पैरा नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है क्या और इथाइल एल्कोहल गिव्स इमीडिएट टर्बिडिटी विद लुकास रिएजेंट बोलो भाई बोलो 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 चलिए सवाल कर लें जरा सवाल कर लें जरा कह रहे सर फिनोफ्थलीन का स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए देख लिया भाई देख लिया देख लिया अच्छा है बहुत बढ़िया दिख रहा है चलो सवाल करो पैरा नाइट्रोफिनॉल

एच आई के साथ रिएक्शन करवा दो क्या होने वाला है बोलो भाई एच आई के साथ रिएक्शन करा दो तो पहले तुम प्रोटोनेट कर देना पहले तुम प्रोटोनेट कर देना और आफ्टर प्रोटोनेशन सोच लेना कि कहीं थ्री डिग्री या रेजोनेंस स्टेबलाइज वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री टाइम तो नहीं बन रहे बताओ जरा अगर मैंने इसको प्रोटोनेट कर दिया ले इधर देखेंगे सभी लोग अगर मैंने इसको कर दिया तो ऐसा दिखेगा मैं अगर ऐसे तोड़ू तो मेरे को प्लस यहां बनता हुआ नजर आ रहा है अगर नजर आ रहा प्लस थ्री डिग्री है या ना बनाओ इसको बनाओगे तो प्लस यही बनेगा यानी कि आई आ जाएगा अरे भाई इस प्लस के पास आई आ जाएगा ना तो ये बना लेगा आपका आग्रह देखो जरा क्लियर एकदम भाई अगर वो थ्री डिग्री कैटाइन बनेगा तो आई उसी के पास आएंगा ना फिर क्या बात कर रहे हो अगला सवाल चलिए एच बीओ पी सी फाइव एम डी ड्राइवर एच बीओ क्या करता है एच बी ओ क्या करता है एंटी मारकोवनीकॉब एडिशन करता है बताओ एंटी मार्क ऑफ एडिशन करता है बोल दो जल्दी से तो ये बना लेगा फर्स्ट के बाद बनेगा पी एच सी एच टू सी एच टू सी एच टू एच क्या ये बात सही है एच बी ओ के बाद ऐसा दिखेगा क्या क्या ये बात सही है क्या पीसीएल सी फाइव क्या करेगा इसकी जगह सीएल आ जाएगा ठीक है इधर कर देता हूं एमजी जी इधर क्या करेगा इसकी जगह एमजीसीएल आ जाएगा पानी क्या करेगा इसकी जगह h आ जाएगा देखो ये होती है हो ओवरऑल तो ये बन जाएगा आपका ph ch2 ch2 ch3 oए आगरा आंसर आ गया बताओ आगरा आंसर आ गया अरे बदलापुर थोड़ी आएगा पागलों कैसी बातें कर रहे हो oh के बाद cl cl के बाद mgcl ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनना है और h2o में h+ होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एसिड एसिड बेस रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन भाई साहब भूल गए क्या अगला बताएं मेरे को क्या बनेगा सी एच सी एल थ्री एन एव एच देन एच थ्री ओ प्लस क्या होने वाला है अरे फेनॉल की रिएक्शन है ये अरे फेनॉल की रिएक्शन है बोलो फिनॉल की रिएक्शन है फिनॉल फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म एनएमएच के साथ आरटीआर राइमर डीमन रिएक्शन और लास्ट में हम एसिडिफाई कर ही देते हैं तो रायमा टीमन रिएक्शन आगरा आंसर आ जाएगा ठीक है टीमन रिएक्शन बोलते हैं इसको अगला सवाल अगला सवाल ध्यान से देखें चारों और बताएं, चारों रिएक्शन आपने पढ़ रखी पीछू पीछू पढ़ रखी चारों रिएक्शन जल्दी से बताएं मेरे को क्या लग रहा है जय कह रहे हैं ए मतलब अखियां गुलाब बहुत बढ़िया वेरी गुड फिर तो तुम बोलोगे डी मतलब दिमाग खराब <laughs> बोलो भाई क्या लग रहा है मुझे बताएं ये रिएक्शन कौन सी थी सैलिसलिक एसिड बनता था इसमें कोलबेज रिएक्शन थी ये सैलिसलिक एसिड तो पी का आ जाएगा टू पी का टू कहीं है क्या आए हाय एक ही ऑप्शन में पी का टू बाकी तो मैच कर ही जाएंगे ना क्यू का फोर बेंजिन बिल्कुल सही बात है ये है आपका पिकरिक एसिड वाला थर्ड सही है

क्या कह रही जनता क्या कह रही जनता ठिराई कह रही बोलो एच थ्रियो प्लस क्या करेगा बताओ सबसे पहले H प्लस आएगा अगर H प्लस आएगा तो इस अल्कीन पर कार्बोकेशन या कार्बोकेथन कार्बोकेशन ये बनेगा और पानी यहीं लाओगे तो कहीं जाना तो है नहीं इसको क्योंकि स्टेबल बैठा हुआ है ये तो ऐसा दिखेगा ये ए आ जाएगा आपका लेकिन ये क्या करेगा एंटी मार देगा ये क्या कर देगा एंटी मार देगा ये और एंटी मार ये कहता है कि जहां ज्यादा है वहां ओ जाएगा तो ऐसा दिखेगा ठीक है तो बी वाला दिखेगा ऐसा और ए वाला दिखेगा ऐसा सी आंसर आएगा देखो चेन्नई आ रहा है चेन्नई चेन्नई आंसर आ रहा है क्या जल्दी बोलो सही है ना पहले वाले में कार्बो कटाइन का और अगले वाले में एच पानी का एडिशन एंटी मार्कोनिकॉब रूल पानी का एडिशन एंटी मार्कोनिकॉब रूल अगला सवाल बड़ा मस्त है ध्यान से करना ध्यान से करना अगला सवाल अगला सवाल ध्यान से करना बताएं जरा अच्छा इसमें सबसे पहली बात मैं आपसे पूछ लेता हूं एच क्या देता है एच देता है अब ये एच है ये न्यूक्लियोफाइल है और ये भी है, है ये भी है और ये भी भी। और अब बता कौन अच्छा है? बंधे हुए इलेक्ट्रॉन या खुले हुए इलेक्ट्रॉन बंधे बंधे हुए इलेक्ट्रॉन या खुले हुए इलेक्ट्रॉन खुले हुए अच्छे न्यूक्लियोफाइल होंगे शुरुआत होगी ठीक है अब ट्राई करो ओए से शुरुआत होगी अब ट्राई करो बोलो भाई क्या होने वाला है प्रोटोनेट होगा पानी निकलेगा कैटाइन बनेगा रिअरेंजमेंट सोचेंगे ठीक है सोचो भाई प्रोटोनेट होगा क्या बनेगा ये? ऐसा दिखेगा देखो प्रोटोनेट होकर पानी निकल के यहां प्लस आएगा और अब मिथाइल की शिफ्टिंग होगी यहां पर तो आपको कुछ इस प्रकार का नजर आने वाला है जो नजराना आपको दिखेगा वो ऐसा दिखेगा रे ऐसा और अब ये प्लस एक दो तीन चार पांच छह की रिंग बनाएगा तो यहां, जाएगा। प्लस यहां बन जाएगा ये टूटेगा नहीं। नहीं। तो निकल गया ना पानी के साथ तो ऑर्गेनिक में कई बार ऐसा होगा आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी थोड़ा दिमाग लगा सकते हो ठीक है चलिए भाई अगला सवाल बताएंगे अ कंपाउंड एक्स वेन ट्रीटेड विथ थैलिक एनहाइड्रेट इन प्रेजेंस ऑफ एस्टूस ऑफ ओर इल वाई वाई इज यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली बताओ एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली ये तो वो वाली रिएक्शन है फिनोफ्थेलीन वाली, फिनोप्तिलीन वाली है ना फिनोफ्थेलीन वाली रिएक्शन है अच्छा फिनोल का दूसरा नाम क्या होता है कार्बोलिक एसिड H2CO3 कार्बोनिक होता है ये कार्बोलिक होता है फिनोल का दूसरा नाम और फिनोफ्थेलीन बनता है इसमें अभी बनाया था पीछे अपन ने डमडम ढोलकपुर आ जाएगा अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है एच प्लस और एनए आई से आई माइनस मतलब अल्टीमेटली एच आई के साथ रिएक्शन है कराओ जरा और फिर एमजी बना देना और डी टू से डी दे देना बताओ क्या बनेगा बोलिए भाई अच्छा कितने लोगों के यहां तक सारे सही हैं कितने लोगों के यहां तक सारे सही हैं एक बच्चा कह रहा है मैं जेई से हूं मेरा पेपर मैं देख लू देख लो भाई जेई तो की तो पीवाई की रहा है आपके ठीक है साक्षी बेटा चलो आओ जल्दी आओ फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या है क्या लग रहा है देखो सबसे पहले एच प्लस आएगा प्रोटोनेट हो जाएगा भाई साहब पानी निकलेगा प्लस आएगा अब इसमें कोई रियंजमेंट तो है नहीं अब NI क्या करेगा आई माइनस ले आएगा और आई माइनस जुड़ेगा तो बन जाएगा टू आयोडो बी ड्राइथर क्या करेगा एमजी ड्राइथर क्या करेगा ये नेगेटिव MgI और डी टू क्या ले आएगा डी प्लस तो यहां डी आ जाएगा बस चेन्नई आंसर आ जाएगा ठीक है कुछ लोगों के सारे सही है कुछ लोगों के एक दो गलत हो गए बीच में कोई बात नहीं जो गलती हुई है उससे सीखो और जो सही किए हैं वो बहुत बढ़िया ठीक है चलिए आइए जरा अगला सवाल सूटेबल रिएक्शन कंडीशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल फिनाइल इथर मिथाइल फिनाइल इथर अरे यार एनिसोल बनवा रहे हैं आपसे अरे यार एनिसोल बनवा रहे हैं एनीसोल बनाना जरा एनिसोल कैसे बनेगा क्या पहले वाले से एनिसोल बन सकता है बोलो 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 इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है तो ये नो रिएक्शन रिएक्शन ही नहीं करेगा यहां जाओ ये नेगेटिव चार्ज और ये MUH, ये प्लस ये माइनस एसिड बेस हो जानी है यहां तो होगा भी नहीं है ना एसिड बेस हो जाएगी तो ये नहीं ये, नहीं। ये नेगेटिव चार्ज और ये एम आर ये यहां टेक करके इसको निकाल देगा अल्काइल हैलाइड में रेजोनेंस नहीं होना चाहिए आप बोलो सर यहां भी तो रेजोनेंस है ठीक है न्यूक्लियोफाइल में रेजोनेंस हो चलेगा अल्काली में रेजोनेंस नहीं चलेगा क्योंकि उसको निकलना है लीव करना है तो लिविंग ग्रुप रेजोनेंस में नहीं होना चाहिए तो नहीं आंसर आ जाएगा आपका ठीक है अगला सवाल कर दियो सभी जने कर दियो अगला सवाल सभी लोग कंपाउंड वन इज ट्रीटेड विद कंसट्रेटेड एच आई ठीक है टू गिव हाइड्रोक्सी कंपाउंड ए Which is with zinc dust to give आपको ना थोड़ी थोड़ी रिएक्शन दिमाग में कुड़बुड़ कुड़बुड़ का जाए ना तो आप आराम से सवाल बना लोगे अगर आपको रिएजेंट पता चल गया ना क्या करता है तो मजा आ जाएगा रिएजेंट पता तो मजा आ जाएगा बताओ क्या कहना है मुझे बताओ, हाँ के साथ है, ठीक तो अब मुझे एक बार बताइए इसका लोन पे तो रेजोनेस में तो टूटेगा नहीं यही टूटेगा तो यहाँ एच यहाँ आई और जिंक डस्ट के साथ तो भैया फिनॉल रिएट करते हैं कोरियट करते तो निकल जाएगा बन जाएगा देखो डी आया आंसर क्या आँसर? दी आया आंसर डी आया डी आया आंसर डी क्यों आएगा कि नहीं अगला सवाल इनकरेक्ट मेथड ऑफ दी प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम दी फॉलोइंग बताओ इनकरेक्ट मेथड कौन सा ओजोन एक्सेस ऑफ अल्किन ओजोनोलिसिस ऑफ अल्किन से एल्कोहल बनता है, क्या? है, है यही आ गया आंसर

छह लिखा छह सौ तेईस हम्म बोलो भाई इनकरेक्ट बोले भाई कौन सा इनकरेक्ट है बोलो कौन सा इनकरेक्ट है पहले वाले में एक्व के वेच है तो ये तो एसेंट रिएक्शन हो जाएगी सेकंड में एल्कोहलिक ए टू होनी चाहिए थी यहां पर

तो बहुत कम अमाउंट होगा तो हमें इन चारों में चूज करना है इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं इन चारों में देखें तो बी आंसर है चलिए अगला सवाल ब्यूटेन वनॉल हैज हाइट बॉइलिंग पॉइंट एन इथोक्सीथे देखो बॉइलिंग पॉइंट का सिंपल कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर होगी तो मॉलिकुलर वेट बढ़ेगा एसोसिएट होंगे इंटर मोल्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा है ना तो ब्यूटेन वनॉल हैज ब्यूटे मनोलॉल बिल्कुल सही बात है ओ के साथ ही जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा

एक में एच बी ओ कराना और एक में ओ एम डी एम कराना है एक में एच बी ओ और एक में ओ एम डी एम बताओ एच बी ओ में कहा जाएगा एच बी ओ में तो इधर जाएगा तुमको ऐसा दिखेगा इधर जाएगा ओ एच और ओ एम डी एम में मार्कोमनी को रूल लगेगा तो ऐसा दिखेगा यहां ओ एच आएगा ठीक है तो ए बन जाएगा इधर ओ एच और बी बन जाएगा इधर ओ एच देखो आगरा आ जाएगा आंसर इसमें इधर इसमें इधर सही है क्लियर एकदम आगरा जाएगा आंसर एक में एंटी इसमें एंटी मार्ग निकॉब लगता है उसमें मार्ग निकॉब लगता है ठीक है ठीक है अगला टू ऑफ़ इंटरमीडिएट इज क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड मालिक ये मत भूल जाना अरे हमको ना भूल जाना क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनेगा एक बच्चा कह रहा है डेली टेस्ट देना या अल्टरनेट बेटा अल्टरनेट टेस्ट दो तो ज्यादा बेटर है एक दिन तुमने टेस्ट दिया टेस्ट का एनालिसिस किया जो गलतियां थी उसको नेक्स्ट डे आप सॉर्ट आउट करो ठीक है टेस्ट देके गलतियां देखो और उसको अगले दिन उसको सॉर्ट आउट करो पढ़ो उसको पहले और फिर अगले दिन टेस्ट दो ऐसे अल्टरनेट डेज टेस्ट देना चाहिए बहुत ज्यादा टेस्ट देने से भी आपको ऐसा नहीं होगा कि आप सौ दो सौ टेस्ट दे लोगे और बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाएगा एक समय ऐसा आ जाएगा कि थोड़ी मोनोटोनिसिटी आ जाएगी आपको टेस्ट से सीखना भी है ना मान लो टेस्ट में आपसे पांच सात सवाल गलत हो रहे हैं दस सवाल गलत हो रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है तो वो हर हर बार अगर टेस्ट में हो रहे हैं जब तक इंप्रूव ना हो जाए तब तक आप ऐसा काम करते रहो एक बार इंप्रूवमेंट आ गया आपको लगता है कि मेरे एक दो सवाल ही गलत हो रहे हैं तो फिर डेली टेस्ट देना चालू कर दो ठीक है चलिए आइए अगला चलिए बोलिए बरा अये हाय पिछला सवाल ही रिपीट हो गया लेकिन अलग तरीके से यही तो एग्जामर आपसे खेलते हैं ठीक है चलिए एच और ओ एम तो अब ओ एम डी एम ए में दे रखा है मार्कोवनी को उसमें बी वाले में एनडी मार्कोवनी को मार्कोवनी को प्रोडक्ट और बी में एनटी मार्कोवनी को बदलापुर आ जाएगा आंसर बदलापुर आ जाएगा बोले भाई बदलापुर आंसर आ जाएगा ठीक है चलिए अगला वेन इथेनॉल इज गिटेड विथ कंसन एस इज प्रोड्यूस द कंपाउंड फॉर्म

अगला देखो जरा, के बारे में, बिल्कुल सही, organic compound weaker acid होते होते हैं हैं। यार, organic compound की pk value बहुत ज़्यादा होती है है, ना, तो ये गलत है। weaker acid than alcohol water थोड़ी एल्कोहल वाटर से तो होंगे, लेकिन हाँ देखा जाए तो ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं तो स्टेटमेंट वन जो है वो ट्रू है और सेकंड जो है वो

ये भी बेटा अल्कोहल है ध्यान से सुन लो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अल्कोहल है, है और ये भी अल्कोहल बचा गया यही बचा और आगे भी दे रखा हिंट कंपाउंड एक्स आल्सो कुछ आए है वायलेट कलर मिल गया यानी कि फिनोली था अगला देखेंगे h3po4 के साथ बनाओ a क्या बनेगा सोचो 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 h3po4 क्या करता है h+ देता है इसको दिलवाओ h+ ले लो अंकल oh- अंकल h+ ले लो और निकल जाओ यहां प्लस आएगा यहां से हाइड्राइट शिफ्ट कर लो छ में नहीं एकदम एक्सपान होता नहीं है तो हाइड्राइट शिफ्ट करके आपको यहां ऐसा मिलेगा प्लस और यहां प्लस मिलेगा तो अल्कि अंदर की तरफ बन जाएगी तो यह बना लेंगे और एच बी अगर आएगा तो क्या बन जाएगा एंटी रूल लगा देंगे और जहां ज्यादा एच है वहां पे ओ एच लगा देंगे इधर ओ एच आ जाएगा इधर एच आ जाएगा तो ऐसा देखेगा बदलापुर आंसर आ जाएगा सही है बम बम बदलापुर आ गया ठीक है अगला बताए इस वाले सवाल को देखें मेजर प्रोडक्ट कह रहे हैं आपसे एच आई भारी मात्रा में सुनो मैंने क्या बोला था भारी मात्रा में अगर है तो ये चेक कर लो लोन पेजिडेंस में तो नहीं कही है कहीं इसका लोन पेयर यहां रेजिडेंस में ठीक इसका लोन पेयर रेजिडेंस में नहीं है तो ये नहीं टूटेगा ये टूट जाएगा यहां एच यहां आई से और ये भी टूटेगा यहां आई यहां एच और ये भी टूटेगा क्योंकि इसका लोन पे रेजिडेंस में नहीं था ये आंसर आपके आ जाएंगे तो इधर ओएच आएगा और इधर आएगा चेन्नई आंसर आ जाएगा देखो चेन्नई आंसर आएगा ध्यान से देख लो जरा इसको क्लियर है ठीक है समझे बहुत आसान है यार बहुत आसान सवाल है बस आपको रिवीजन होना चाहिए जो कि हमने पहले ही कर लिया था अभी है ना चलिए एक्वा सैन सी एस थ्री आई एक्वस एन क्या करता है हमने आपको बताया था फिनॉल एसिडिक नेचर के होते हैं ना तो ये बेस है ये एसिड है एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और एसिड बेस रिएक्शन हो गया हो जाएगी तो ये पता क्या बना लेगा यहां जाएगा ओ नेगेटिव एच प्लस हट के एन प्लस और ये ओ नेगेटिव विलियमसन ईथर सिंथेसिस दे देगा यहां पर आई निकल जाएगा तो ओ सी एस थ्री बन जाएगा बदला पहले एसिड बेस फिर डब्ल्यू एस विलियमसन इधर सिंथेसिस रिएक्शन हो जाएगी है ना विलियम सनी दस हो जाएगी ना डब्ल्यू एस अगला देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन अरे है इतना आसान सवाल क्या बात है बता पाओगे ग्रेगनाड बना के इथेनॉल क्या कर देता है एच प्लस देता है एसिड बेस हो जाएगी ग्रेगनाड बना के एसिड बेस हो जाएगी तो इसका ग्रेगनाड क्या बन जाएगा ऐसा बन जाएगा और उसके बाद एसिड बेस आ गया आंसर ढोलकपुर डमडम है आसान अरे आसान है कि नहीं अरे बहुत ही आसान है बस पढ़ना हो चाहिए अगर तुमने पढ़ा है तो आसान है नहीं पढ़ा तो मुश्किल है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ठीक है बताओ डिहाइड्रेशन में क्या होता है कार्बोकेटाइन बनता है ना मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन चेक कर लो आओ जना प्रोटोनेट करके हटाया प्लस बनाया प्रोटोनेट करके हटाया प्लस बनाया फर्स्ट कैटाइन देखना रियमेंट नहीं करना फर्स्ट कैटाइन होना चाहिए स्टेबल फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन स्टेबल होना चाहिए इसका तो बेटा लोन पेयर ही रेजोनेंस में तो ये तो हो गई नहीं तो ए तो सबसे लास्ट में आ गया ए तो सबसे लास्ट में आ गया अब ये दोनों बच्चे थीके? अब देखो जरा प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल एक्सटेंडेड दिख रहा है ठीक है प्लस सिंगल सिंगल डबल एक्सटेंडेड दिख रहा ना यहां कोई कॉन्जुगेशन नहीं दिख रहा यहां सिर्फ प्लस सिंगल डबल एक ही दिख रहा है तो बी सबसे ज्यादा बी सबसे ज्यादा इसमें उसके बाद डी फिर सी फिर ए दिख रहा है आंसर थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट को यूज करो पर ऑप्शन चेक करो कुछ सोचा ऑप्शन देखा कुछ सोचा ऑप्शन देखा कुछ सोचा ऑप्शन देखा कुछ सोचा ऑप्शन देखा ये प्रोसेस दे तो एक दो कुछ में ही ऑप्शन मिल जाता है कुछ देखा ऑप्शन देखा आंसर कुछ कुछ देखा उब्सवन देखा ऑप्शन आंसर कुछ 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 देखा फिर ऑप्शन देखा आंसर है ना तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये होता है थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा के जैसे आप इन चारों को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा ए लास्ट में आएगा तो देखो दो कट गए ठीक है अगला सवाल बताओ जरा एच प्लस आया ठीक है एच प्लस आया एच प्लस आया प्लस ठीक है लाओ ये हुआ, पानी निकला प्लस आया मैथिल शिफ्ट हुई मैथिल प्लस यहां आया और मिथाइल जब यहां गया तो डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा क्यों अल्फाइज बढ़ जाएंगे देखो चेन्नई डबल तो बीच में ही बनाओगे ना अंकल अल्फाइज बढ़ाओगे ना अल्फाइज बढ़ाओगे ना अगला सवाल बोलो भाई एक पार्ट तो हम कर चुके हैं दूसरा पार्ट आप बताएंगे ये वाला हमने एस्प्रेन वाला बता दिया था आपको एस्प्रेन बन गया या और एसिड एसिड दूसरा आप बताओ एस्प्रेन बन गया एस्प्रेन दूसरे वाले में क्या हो रहा है देखो ये वाला ये बना रहा है यानी कि यहां मिथेनॉल होना चाहिए है ना तभी तो ये एस्टरीफिकेशन यहां पर करेगा तो पहले वाले में आ जाएगा एसिडिक एनाइड के साथ और दूसरे वाले में आ जाएगा ये देखो आगरा आंसर आ जाएगा ठीक है एसिडिक एनाइड्राइड इसके साथ एस्प्रिन देता है और मीथेनॉल इसके साथ रिएक्ट करके यहां एस्टर बना देगा है। ठीक है ठीक है? अगला सवाल माइच द कॉलम मैच द कॉलम बताओ क्या आएगा आंसर चेक करो मैच द कॉलम मैच द कॉलम चेक करेंगे बेटा बी एच थ्री टीएचएफ में रीअरेंजमेंट नहीं होता सिवाय बी एच में रियेंजमेंट नहीं होता ओएमडीएम में रियरेंजमेंट नहीं होता बोलो भाई बोलो इसमें क्या आ रहा है सीएचओ तो राइमा डी रिएक्शन है रिएजेंट ये होता है तो ए का चार आ गया अगला बताओ फिनॉल से बेंजीन बना रहे हो जिंक ले लो तीन बनाओ फिनॉल से पैरा क्विनोन बना रहे हो ऑक्सीडेशन टू आ जाएगा और एक ही बचा वन BR2CH2। आर टू सी एच तो। टू चार तीन दो एक चार तीन दो एक चार, चार ठीक है अगला सवाल रिएक्शन द नंबर ऑफ एसपी टू हाइबाइज कार्बन आये मजा आ जाएगा करो एसपी टू हाइबाइज कार्बन बताना है कितने होंगे पहले प्रोडक्ट बना लो क्या बनेगा के टू सीआर क्या करता है फिर ग्रेगनार क्या करेगा और फिर H+ के साथ हीटिंग पर अल्किन बनेगी ठीक है बोलो भाई। बोलो 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 बोलो। क्या लग रहा है के टू सी आर सेवन क्या करेगा यहां पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा कीटोन बन जाएगा ठीक पी एच एम जी बी आर फॉलोड बाय एच टू एच टू मतलब एच प्लस देखा ना? तो ऐसा न्यूक्लियोफाइल ये इस कार्बोनाइल कंपाउंड पे अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन पे और ये अल्कोहल बना लेगा तो ऐसा देखेगा ओ OH, एच यहां पीएच ठीक और प्लस के साथ हीटिंग कराओगे कार्बोगेटाइन बनेगा का प्रोटोनेट होकर और अलगिन बन जाएगी यहीं पर तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा देखो अगर मैं इस वाले कार्बन को ये बोल दूं तो pH और अलगिन यहां डबल पे इधर तो sp2 sp2 दो ये होगा अलगिन के और होगा आ जाएगा आंसर आठ आ जाएगा आंसर और वैसे भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा कर सकते थे पीएच अगर दिया जाए तो छह तो उसमें sp2 होंगे और पता है तो एच प्लस एल्डिहाइड के साथ एक अलगीन बनेगी तो दो उसके हो जाएंगे आठ हो जाएगा है ना बढ़िया सवाल था अगला द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दी फॉलोइंग रिएक्शन कंसंट्रेटेड एचबीआर एक्सिस में अब ध्यान से देखना एचएक्स ईथर के साथ भी रिएक्शन करता है और अलगीन चैप्टर में इसके साथ भी रिएक्शन कराया था बताओ जरा दोनों दोनों जगह रिएक्शन कराना है भारी मात्रा में दे रखा है आपको एचबीआर बोलो भाई बोलो क्या लग रहा है देखो इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में है और अगर ये रेजोनेंस में है तो ये टूटेगा नहीं ये टूटेगा इसको एच और इसको बिहार दे देंगे और अलकीन में ऐसे टूटेगा का। कार्बोडाइड यहां बनेगा का। इसको एच मिलेगा ना और इधर बी लग जाएगा तो इस जगह पे बी है और इधर ओ एच है जाएगा और सी एस थ्री बी तो अलग हो जाएगा कितने लोगों यहां तक सारे सही है बताओ कितने यहां तक ईमानदारी से बताओ मम्मी कही है, कितने सारे सही है यहां तक? अगला सवाल विच रिएक्टेंट विल द फॉलोइंग एल्कोहल ऑन रिएक्शन विद मोल ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक मोल के साथ, साथ दोंग तीन रौंग, चार रौंग। सारे सही क्या बात है नौ गलत तो बेटा कुछ ज्यादा ही हो गए है ना नौ गलत ज्यादा हो फिर तो आपको फिर से लेक्चर देखना पड़ेगा तीन चार रॉन्ग तक तो चलता है कि चलो ठीक है थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं दिमाग में नहीं आया इसने गलत हो गया ठीक है नौ ज़्यादा गलत हो गए सारे सही सही वाले तो गुड बहुत तैयारी चल रही है ऐसे चलते रहे आगे ठीक है पर आपसे मिस्टेक हुई तो, एक के साथ, तो कीटोन ये, तो नहीं। भाई अगर ये आएगा, तो एक कीटोन बना लेगा ये तो कीटोन बना लेगा एक मोल के साथ और डेरिवेटिव ये भी एक मोल के साथ कीटोन बना लेगा ये एक मोल के साथ एल्कोहल ही बनाएगा क्यों क्योंकि ये अटैक करेगा ये टूटेगा और इसको में लेगा तो एक मोल के साथ सिर्फ कार्बोनाइल ही बना सकता है डी आ जाएगा ठीक है अगला क्यूमीन ओ टू एच थ्री ओ प्लस क्यूमीन क्या बनेगा फिनॉल और एसिटोन बनता है एसिटोन ओ छूट गया एसिटोन बनता है फिनॉल और एसिटोन क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड रिएजमेंट वाला ये क्वेश्चन

इसकी रिएक्शन होगी OH माइनस यहां अटैक करेगा सीएल हटेगा एस एन रिएक्शन एल्कोहल बनेगा ठीक यहां भी आपकी यही वाली रिएक्शन हो जाएगी है ना क्योंकि ये प्लस बनेगा एरोमेटिक कीटोन बेंजोफिन बनेगा और ये ओ नेगेटिव यहां अटैक कर देगा विलियमसन इधर सिंथेसिस से सीएल निकल जाएगा डी आ जाएगा है ना विलियमसन इधर सिंथेसिस अगला देखो विलियमसन सिंथेसिस ऑफ द प्रिपेयरिंग डाइमिथाइल ईथर इज इन क्या है एसएन2 रिएक्शन है विलियमसन इधर सिंथेसिस डब्ल्यूएस एसएन2 होती है है ना

क्या हो जाएगा टू मिथाइल प्रोपिन है ना टू मिथाइल प्रोपिन नेक्स्ट एच बी आर के साथ इसके रिएक्शन करानी है इसका लोन कर तो, तो ये तो नहीं टूटेगा यहां से टूटेगा ये एच और ये बी आर आ जाएगा ढोलकपुर आ जाएगा सही है अगला सवाल नेक्स्ट

नहीं आंसर आ जाएगा है ना? चलिए अंतिम तीन सवाल आपके सामने विच दी फॉलोइंग आर नॉट यूज टू कन्वर्ट एल है से होता है इससे होता है इससे होता है ग्रेगनाड से नहीं होता है ना भाई ग्रिगनाड अगर करेगा ये तो यहां जुड़ेगा आर यहां जुड़ेगा तो ये पता क्या बनाएगा ग्रेगनाड ग्रेगनाड बनाएगा टू डिग्री वन डिग्री नहीं बनाएगा

बोलो भाई कितने लोगों के सारे सही हैं बताएं ईमानदारी से बताने का है अभी तक तो सारे मिला के बादल के सारे सही हैं वेरी गुड बेटा अगर ईमानदारी से बता तो वेरी नाइस पांच गलत चार गलत तीन रॉन्ग दो रॉन्ग बेटा एक दो अगर रॉन्ग है ना तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं आपका चैप्टर पूरा रेडी है जहां गलती हुई उसको सुधार लो है ना मतलब पांच के अंदर तो ठीक है सही है ना अगर पांच गलत हुए हैं पांच तक तो हो सकता है थोड़ी बहुत सली मिस्टेक हुई हो, वो सुधारी जा सकती है लेकिन अगर आपके नौ दस पंद्रह गलत बीस गलत हो रहे हैं तो फिर बहुत मुश्किल भरा काम है फिर तो आपको चैप्टर पूरा पढ़ना चाहिए है ना ठीक है चैप्टर एक बार फिर से पढ़ो क्लियर है क्लियर है बेटा चलिए तो मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और एल को रिदर्फनॉल का हमारा रिवीजन कंप्लीट हुआ आई होप आपको अच्छा लगा होगा क्विक रिवीजन देन बहुत सारे सवाल जेई के क्वेश्चन अच्छे अच्छे सवाल जो आपके यहाँ पर आ सकते हैं ठीक है क्लियर है और भाई घबराने की जरूरत नहीं है टेंशन बिल्कुल नहीं लेना जो हो रहा है होने दो गो विद द फ्लो चलते रहो आगे बढ़ते रहो अगर आप ऐसे सोचोगे कि नहीं यार मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा तो बड़ी दिक्कत है भाई अपन फाइट तो मारो कम से कम फाइट मारो अगर फाइट मारा आपने फिर नहीं हुआ तो आपको खुद अच्छा लगे कि यार मैंने तो बहुत पढ़ाई की थी मैंने तो बड़ी मेहनत की थी नहीं हुआ कोई बात नहीं है ना लेकिन अगर आप छोड़ दो एकदम और फिर पेपर देने जाओ तो बड़ी दिक्कत है 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 ना तो अभी भी ऐसा कुछ नहीं समय है। अच्छा समय अच्छा खासा महीने का पूरा टाइम आपके पास है वन है है ठीक मंथ आपके पास अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हैं और हम तो आपके साथ हैं ही है ना तो कंप्लीट रिवीजन तो हम करा ही रहे हैं आपके साथ आप अपनी तरफ से जरूर करें है ना हम तो कराएंगे लेकिन आप अपनी तरफ से जरूर करें आपको लगता है कि नहीं मेरे को 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, इक्कीस बाईस के पेपर लगाने चाहिए पांच छह सात आठ है ना अगर आपके पास उतना टाइम है आपको लगता है कि नहीं मेरे पास टेस्ट देने का भी टाइम है ज्यादा से ज्यादा तो आप 2005 से लेकर अभी तक के सारे टेस्ट पेपर लगा लो पहले ए के नाम से आते थे वो लगा लो आप है ना ठीक है तो पहले अपने पी क्यू सारे कंप्लीट करो ऐसा नहीं कि पांच साल के अगर पांच साल के पीवाई क्यू आपके हो गए नीट के तो उसके पीछे चले जाओ फिर पांच साल के और करो अगर वो हो गए तो फिर पांच साल के और करो ठीक है रैंडम कहीं से भी मॉक टेस्ट उठा के करना थोड़ा खतरे से खाली नहीं होता है ना अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है लगता है आपको कि नहीं मेरा सारे, सारे सवाल बन रहे हैं तो आप बिल्कुल मॉक टेस्ट लगाए ठीक है मॉक टेस्ट के भी अपने चैलेंजेस होते हैं इससे बेटर है पीवाई क्यू पहले ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट नहीं लगाना है मतलब चीजों को सही तरीके से समझ लो जो मैं बोल रहा हूँ गलत मतलब मत निकाल लेना किसी चीज का मॉक टेस्ट लगाने हैं लेकिन सबसे पहला टारगेट होना चाहिए पीवाई क्यू देन मॉक टेस्ट ठीक है पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि हमको पहले पीवाई क्यू लगाने हैं अगर आपने नीट के पीवाई क्यूज ही नहीं लगाए है ना तो भाई तुम पेपर देने क्यों जा रहे हो भाई जिस एग्जाम को देने जा रहे हो उसके पीवा क्यू तो लगा लो है ना पांच पांच साल का टारगेट अपना पहले फाइव ईयर्स ले लो पीछे की तरफ से चल रहा हूँ फिर अगर ये हो जाए तो फिर पांच साल ले लो फिर ये हो जाए तो फिर पांच साल ले लो पंद्रह साल मेरे ख्याल से है इतना काम हो जाएगा अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं तब आप मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट में थोड़ा चैलेंज है चैलेंज ये है कि मान लीजिए आपने कहीं से मॉक टेस्ट पकड़ा और एक या दो सवाल ऐसा आ गया या तीन सवाल ऐसे आ गए कि जो आपके दिखी नहीं रही है रिएक्शन और वो आने भी नहीं है कभी लेकिन गलती से आपको उस पेपर में मिल गए तो हो सकता है कि आपके कॉन्फिडेंस की वाट लग जाए है ना दिक्कत आ जाए आपके दिमाग को जबकि वो चीज आपको नहीं करनी थी है ना तो ये ध्यान रखें सबसे पहले पीवाई क्यों लगाए क्योंकि यही पेपर में इसी टाइप के सवाल आपके आने हैं है ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं यूजुअली जैसे टीचर्स यूजुअली क्लासेस में पढ़ा देते हैं जैसे मैं भी कई चीजें पढ़ाता हूं है ना लेकिन उस टाइप के सवाल आने के चांसेस बहुत कम होते हैं तो इस लास्ट टाइम में वो नहीं पड़ना ना लास्ट टाइम में वो नहीं पढ़ना ठीक है एक होता है रिलेवेंट पेपर जैसे आपका मॉक टेस्ट हो अगर मॉक टेस्ट में पीवाई क्यू रेप्लिका अगर हो, तब तो भाई साहब बेहतरीन है पीवाई क्यू रेप्लिका वाले हैं ना मतलब पीवा क्यू का कॉन्सेप्ट रेप्लिकेट हो रहा ऐसा नहीं कुछ नया आ जाए या कुछ ऐसी रिएक्शन आ जाए नीट के पेपर में नहीं है ना, ने, में नहीं पूछी जाती है कई रिएक्शन होती है और खासकर ऑर्गेनिक में तो ऐसा होता ही है इनफाइनाइट है आप कितना भी सोच लो कोई सी लेकिन क्यों लगाओ, साल के पेपर लगाओ अपने ऊपर भरोसा रखो आखिरी समय है एकदम अपना बेस्ट शॉट दे दो यार अब तो मतलब दस घंटे बारह घंटे चौदह घंटे अब तो घंटे मत देखो भाई कितने टाइम हो रहा है लगे रहो बस ठीक है क्लियर है रियल टेस्ट दो रियल टेस्ट एकदम रेलिवेंट है मतलब आपने फॉर्म भरा होगा तो खैर रजिस्ट्रेशन बंद हो गए ये काफी बच्चे पेपर दे रहे हैं और सात तारीख को जब पेपर होगा आपको खुद ही समझ में आ जाएगा ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया अब हम मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में ठीक है जाते जाते बहुत बहुत धन्यवाद आप यहां पर आए थैंक यू सो मच आपने हमसे एल्कोल इधर पढ़ा नेक्स्ट टाइम पे कार्बोक्सिलिक कार्बोनाइल कंपाउंड वगैरह पढ़ेंगे अपन है ना तो कार्बोनाइल कंपाउंड आप पढ़ के आइएगा तो मजा आएगा ठीक है मिलते हैं बेटा फिर तब तक के लिए ओके बाय ठीक है